हेलो एवरीवन, है आई एम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ एक्वेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे सिंपली, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टेम्परेचर की रेगुलेशंस के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें एरोबिक कंडीशनिंग और मोबिलिटी के ऊपर हमने बात की थी। अब हम स्पेशल इक्विपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक हमारे पास स्पेशली इक्विपमेंट्स ऐसे कौन से डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्वेटिक एक्सरसाइजेस में। ठीक है, बहुत लार्ज वैरायटी इक्विपमेंट्स की जो एग्जिस्ट करती है एक्वेटिक एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक है, और एक्वेटिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो हम यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं, लाइक यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, हम उसको सपोर्ट या असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉडी के पार्ट को, एक एक्सट्रीमिटी को, ठीक है, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, उसको असिस्ट भी कर सकते हैं बैलेंस में। ठीक है, चैलेंज का ये होगा कि लाइक रेजिस्टिव फोर्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से होगी ताकि हम, और ये भी है कि हम जनरेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस और मूवमेंट में रेजिस्टेंस। ठीक है, उसकी जो नॉर्मल असिस्टेंस चैलेंज करने का मतलब ये होगा कि चैलेंज और असिस्ट करेंगे बैलेंस को, लाइक थोड़ा सा चैलेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, उस मूवमेंट को ही रेजिस्ट कर रहे हो जिस पर हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट्स हम यूज़ क्यों करेंगे या इक्विपमेंट्स किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसको आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम ऐड करें या रिमूव करते हैं ना इक्विपमेंट्स को, तो हम एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिवली वो काम कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस है पेशेंट में, ठीक है, किस तरह से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं उस प्रोग्रेस को, ये सारा काम जो है ना हम स्पेशल इक्विपमेंट्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है, ये कॉलर्स है, रिंग्स है, बेल्ट एंड वेस्ट है। ठीक है, अब कॉलर, रिंग, बेल्ट एंड वेस्ट जो है हमारे पास, ये इक्विपमेंट्स हैं जो डिज़ाइन हुए में असिस्ट करने के लिए पेशेंट की पोजीशनिंग को, बेसिकली पेशेंट की जो हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं हमारे पास, पोजीशनिंग में। ठीक है, पोजीशनिंग में काम कर रहे हैं आप, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बायंसी की असिस्टेंस। ठीक है, बायंसी की असिस्टेंस आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो बायंट फोर्स थी ना, ठीक है, वो असिस्ट भी करेंगे और बायंट फोर्स भी आ रही है। ठीक है, तो बायंसी असिस्टेंस कैन बी अप्लाइड टू द किन किन एरियाज पे अप्लाई हो रही है, नेक पे, एक्सट्रीमिटी पे, ट्रंक पे, ठीक है, इन सारे एरियाज पे हम अप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ बताई है हमारे पास, इन्फ्लेटेबल सर्वाइकल कॉलर। ठीक है, इन्फ्लेटेबल सर्वाइकल कॉलर क्या है, यूज फॉर स्पाइन पेशेंट, स्पोर्ट, नेक, हेड आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एक सर्वाइकल कॉलर हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर जब पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में पानी के अंदर डाला गया ना, ठीक है, अब देखो पेशेंट बिल्कुल पानी के अंदर है, अगर नेक के रीजन पे हम लोग लगाएंगे नहीं ना एक सपोर्ट, ठीक है, एक सपोर्ट नहीं देंगे, तो पेशेंट का सर भी पानी के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कि ताकि उसका जो हेड है वो पानी से बाहर रहे, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हम इसको यूज़ करें, ताकि हम मेंटेन और एक सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, मेंटेनेंस भी रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्लोटेशन रिंग्स हैं। ठीक है, और फ्लोटेशन रिंग्स जो है ना वो बहुत से डिफरेंट साइजेस में आते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास सिंपली बहुत से वेरियस साइजेस में हमने जैसे कहा, ठीक है, तो ये सपोर्ट देते हैं एक्सट्रीमिटीज़ को, बहुत लाइक आप ये कह सकते हो कि एक असिस्टेंस दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं इमर्स्ड एक्सट्रीमिटीज़ को। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना हमारे पास, उन पे लाइक जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ क्या हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, इनको एक सपोर्ट दे देता है, ठीक है, ताकि हम उस पोजीशन को मेंटेन रख सकें। ठीक है, ऑफ्टन द रिंग्स आर यूज्ड एट द रिस्ट एंड द एंकल। ठीक है, उन्होंने कहा रिस्ट और एंकल पे मोस्टली हम यूज़ कर रहे थे ड्यूरिंग मैनुअल टेक्निक्स टू असिस्ट द पेशेंट विद लाइक आप पोजिशनिंग और रिलैक्सेशन में आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इससे हम बेसिकली, उसने ये कहा कि रिस्ट और एंकल्स पे हम बेसिकली इसको क्या करें, यूज़ करें, और ठीक है, ताकि क्या करें हम कि जो हमारे पास हम मैनुअल टेक्निक्स उस पर पेशेंट पे अप्लाई करें, वो उसमें असिस्टेंस दे, ताकि उसकी जो पोजिशनिंग है वो एक तो वो मेनटेन रहे, दूसरा उसमें रिलैक्सेशन का इफेक्ट आ जाए। ठीक है, एक रिलैक्स पोजिशन में आ जाए पेशेंट। बहुत सी सेवरल टाइप्स ऑफ बेल्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपली, और बहुत सी जो बेल्ट्स हैं उनमें ये भी है कि लाइक बेल्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं असिस्ट विद बायंसी ऑफ द एक्सट्रीमिटी, और होल बॉडी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। उन्होंने यही बात की है हमारे पास कि हम उसको बायंसी को एक्सट्रीमिटी के लिए भी यूज़ करते हैं और होल बॉडी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेल्ट और वेस्ट जो होती हैं वो हम पोजीशन, लाइक अगर पेशेंट की पोजीशनिंग है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एक पेशेंट का पोजीशन सेट करने के लिए। ठीक है, ताकि वो पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो स्पाइन है तो स्पाइन ही रहे, प्रोन है तो प्रोन ही रहे, ठीक है, वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहे,
फॉर शैलो एंड डीप वाटर एक्टिविटीज़। ठीक है, मोस्टली आप ये करते हो कि जब हमने डीप वाटर एक्टिविटीज़ करानी होती है ना, तो हम इनको काफ़ी ज़्यादा ये रिंग्स होते हैं, लाइक आप ये कह सकते हो कि बेल्ट्स वगैरह जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं उन केसेस में ना, जब हमारे पास हमने किसी पेशेंट के लिए ना एक पोजीशनिंग डिज़ाइन करनी है, हमने किसी खास पोजीशन में पेशेंट को जब हमने कोई एक्सरसाइज करानी होती है उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इक्विपमेंट्स जब आप यूज़ करेंगे तो या आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि लाइक आप इनको किस तरह से यूज़ करना है, और साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिल जाती है कि लाइक इनको किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्विम बार्स। ठीक है, स्विम बार्स क्या है कि हमारे पास बाएँ डंबल्स हैं, डंबल्स की तरह के होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि यूं करके ना इसके भी रिंग्स लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के इनके रिंग्स लगे होते हैं, और बाएँ डंबल्स जो होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लेंथ्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपर बॉडी को। ठीक है, अपर बॉडी और ट्रंक को किस चीज़ के लिए, लाइक आप ये कह सकते हो एक अपराइट पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, और लोअर बॉडी को स्पाइन और प्रोन पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, जब हम लोअर बॉडी पे यूज़ करेंगे तो हमने पोजीशनिंग ऐसी करनी थी, तब हमने यूज़ किया जब स्पाइन या प्रोन पोजीशन में हमने रखना था, और जब अपर बॉडी पे यूज़ किया या ट्रंक पे यूज़ किया तो हमने पोजीशनिंग अपराइट रखनी थी, लाइक स्ट्रेट रखनी थी, इसलिए हमने उसको यूज़ किया। पेशेंट जो है ना वो बैलेंस कर लेता है और लॉन्ग स्विम बार्स टू सीटी और स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, सीटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में ना पेशेंट बैलेंस कर लेता है लॉन्ग स्विम बार्स को। ठीक है, और ये हम इसलिए दे रहे थे ताकि हम जब डीप में ना पेशेंट जब डीप वाटर में, ठीक है, पानी के डीप में, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जब पेशेंट जो है वो बहुत डीप वाटर में है ना, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले उसको चैलेंज कर रहे होते हैं उसके बैलेंस को। ठीक है, उसके बैलेंस को इसलिए चैलेंज करना है क्योंकि उसकी बैलेंसिंग हमने चेक करनी है। ठीक है, ताकि वो पानी के अंदर बैलेंसिंग उसकी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, हमने उसकी प्रोप्रियोसेप्शन चेक करनी है, उसकी जो जॉइंट की पोजीशनिंग है क्या उसके सिग्नल उसको पहुंच रहे हैं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तीसरी हमने ट्रंक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, कितनी उसकी ट्रंक में स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं स्विम बार्स के थ्रू। ठीक है, ताकि हम लोग डिफरेंट स्पोर्ट के लिए भी यूज़ करें और उसको बैलेंस चेक करने के लिए भी यूज़ करें। ठीक है, स्विम बार्स को छोटे छोटे भी होते हैं और एक बड़े साइज के भी होते हैं लॉन्ग, जिनको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्लव्स, हैंड पैडल्स एंड हाइड्रोटोन बॉल्स। ठीक है, ये हाइड्रोटोन बॉल्स होती हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस टू अपर एक्सट्रीमिटी, हम ये कहते हैं या अपर लिम कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मूवमेंट जो है ना हमारे पास आती है जब हम अप्लाई करते हैं वेब्ड ग्लव्स प्रोग्रेसिवली लेयर्ड पैडल्स टू द हैंड। ठीक है, अब मूवमेंट जो है ना वो अचीव हम कैसे करते हैं, बाय, अब उन्होंने कहा रेजिस्टेंस अप्लाई करें, अब ये रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये जो ग्लव्स है ना ये हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने जब प्रोवाइड करनी है ना किसी एक्सट्रीमिटी पे या किसी एरिया पे, तब हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा भी है, एक चीज़ ये भी है कि लाइक कि बॉयन फोर्स नहीं होती इनमें। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करें तो ये एक ही उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास उसी तरह से काम करते हैं। हाइड्रोटोन बेल्स जो हैं वो हमारे पास लाइक बॉल्स जो हैं या बेल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक लार्ज स्लॉटेड डिवाइसेस हैं। ठीक है, और प्लास्टिक की डिवाइसेस हैं। ठीक है, लार्ज प्लास्टिक की डिवाइसेस हैं जो हमारे पास यूज़ हो रही हैं इंक्रीज द ड्रैग ड्यूरिंग अपर लिम मोशन। जब हम अपर लिम के मोशन कराएं तो ये ड्रैग फोर्स को इंक्रीज कराएं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे ड्रैग फोर्स होती क्या, लेकिन सिंपली अगर आप देखो ना तो ड्रैग फोर्स को अपर एक्सट्रीमिटी के मोशन पे ये इंक्रीज करा रही है। ठीक है, द बेल्ट जनरेट सब्सिक्वेंटली मोर रेजिस्टेंस दैन ग्लव्स। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ग्लव्स से ज़्यादा रेजिस्टेंस परफॉर्म रेजिस्टेंस मोर दैन द ग्लव्स। ठीक है, और हैंड पैडल्स। ठीक है, बेल्ट जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू ग्लव्स और हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फिन्स एंड हाइड्रोटोन बूट्स। ठीक है, ये हमारे पास लाइक बूट से याद आ रहे कि बूट से समझ जाके लाइक फीट के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द लोअर लिम बाय, हमने वो अपर लिम की बात की थी, ये लोअर लिम पे बात करें। ठीक है, ये लोअर लिम पे हम क्या करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया मूविंग थ्रू द वाटर। ठीक है, जो हम वाटर लाइक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जो हम वाटर में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है फिन्स और बूट्स के थ्रू। अच्छा, ये कैसे इंक्रीज कराते हैं, वही जैसे हमने बात की क्या इंक्रीज कराते हैं सरफेस एरिया को।
फिन्स जो होते हैं ना वो स्पेशली यूजफुल होते हैं कि हम चैलेंज करते हैं हिप स्ट्रेंथ को, नी स्ट्रेंथ को, एंकल स्ट्रेंथ को. ठीक है, हम इंसानों को चैलेंज कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको चैलेंजिंग होती है हमारे पास इस केस में, क्योंकि हम लाइक इनको तो चैलेंज करके हम हिप की स्ट्रेंथ, नी की स्ट्रेंथ और एंकल की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोट्रॉन बूट्स होते हैं, अब ये फिन्स जो होते हैं वो हमने इसके लिए रख लिए कि जो हाइड्रोट्रॉन बूट्स हैं ना वो हमारे पास मोस्टली इफेक्टिव होते हैं जब हम डीप वाटर की रनिंग करा रहे हैं. पेशेंट जब वॉक कर रहा है ना डीप वाटर में या हमारे पास रनिंग कर रहा है तो उस केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हाइड्रोट्रॉन बूट्स. ठीक है, हाइड्रोट्रॉन बूट्स जो है ना, आप बेसिकली आप गूगल पे सर्च करो तो आपको सिंपली नज़र आ जाएगा हाइड्रोट्रॉन बूट्स कहते हैं, बूट्स कैसे होते हैं. आपकी किसनर के अंदर काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी दी हुई हैं तो वहाँ पर पता चल जाता है कि लाइक बूट्स और साइज बेल्ट वगैरह हैं कैसे. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं किक बोर्ड्स. ठीक है, किक बोर्ड्स हमारे पास क्या है, शेप्स एंड स्टाइल्स ऑफ किक बोर्ड्स वेरी एक्सटेंसिवली. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली वेरी करते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स डिफरेंट तरह से इनको बनाते हैं. नेवर्थलेस किक बोर्ड्स जो होते हैं ना वो वर्सटाइल होते हैं और इफेक्टिव टूल है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है. मोस्टली जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना तो हम इसमें लाइक एक एक्वेटिक टूल जो है ना, बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव एक्वेटिक टूल, उसको उसके तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हमें क्यों यो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करें. ठीक है, एक तो ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं बायंसी प्रोन और स्पाइन पोजिशन में. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है जब हम वॉकिंग पैटर्न शॉलो वाटर में. ठीक है, शॉलो वाटर में हम जब वॉकिंग पैटर्न डिवेलप कर रहे होते हैं ना तब उस केस में हमारे पास क्या होता है कि सिंपली ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है. ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास क्या करता है, यूज़ करता है, यूज़ टू चैलेंज बैलेंस. ठीक है, चैलेंज करता है बैलेंस को जब हमारे पास हम डीप वाटर में होते हैं. ठीक है, वो हम कह रहे थे कि हमारे पास शैलो वाटर में तो हमारे पास क्या होगी, वॉकिंग पैटर्न पे काम कर रहे हैं और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज करेगा हमारे पास बैलेंस को जब हम डीप वाटर में. ठीक है, जब हमारे पास लाइक सीटेड, नीलिंग, स्टैंडिंग पोजिशन में, तो हमारे पास ये बैलेंस को चैलेंज कर देता है. ठीक है, सिंपली तो ये हमारे पास क्या होगी, सारी चीज़ें लाइक हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए. किक बोर्ड्स जो होते हैं ना वो लाइक आप सिंपली उनको देखोगे तो इजीली आपको एग्जाम उसको बुक्स में इसकी पिक्चर्स नज़र आ जाती हैं कि लाइक कैसे होते हैं ये. ठीक है, और लाइक इसके बाद बस हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर लास्ट में कुछ टॉपिक्स मुझे मिले तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. और हाँ, लाइक इस चैप्टर के जो ओवरव्यू लेक्चर्स होंगे, लाइक हम शॉर्ट वीडियोस बना दूंगी ताकि हम एग्जाम से पहले ओवरव्यू लेक्चर्स को भी देख लें. ठीक है, सो अभी ये डिटेल लेक्चर्स हैं, इसके बाद हम ओवरव्यू लेक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.